हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ जो भी शेयर करने वाली हूँ अस्टाबेरी की हल्दी चंदन क्रीम की, ये 3-in-1 क्रीम है। आगे भी मैंने अस्टाबेरी फेनेस क्रीम का रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, हल्दी चंदन क्रीम की रिव्यू आज डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइज, अस्टाबेरी हल्दी चंदन क्रीम में 50 ग्राम की पैकेजिंग में आती है, अप्रोक्स 80 रुपीज़ में आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ये क्रीम में 3-in-1 क्रीम है, ये आपके स्किन को सॉफ्ट बनाएगी। स्किन अनइवन है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, उसको इवन करने का काम करेगी। स्किन को क्लियर बनाएगी, यानी दाग धब्बे को मिटाएगी। स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी। ये क्रीम में बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। की इंग्रेडिएंट है हल्दी चंदन। हल्दी के बारे में तो हम सबको पता ही है, हल्दी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। साथ ही हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एजिंग एंड हीलिंग गुण पाए जाते हैं। हल्दी फोड़ी फुंसी को भी जल्दी से ठीक करने में मदद करती है, साथ ही कॉम्प्लेक्शन को भी निखारती है। चंदन में भी एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। एक्ने, पिंपल, ब्लैकहेड को दूर करती है। स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सन टैन से भी राहत दिलाता है, डार्क सर्कल को भी कम करता है, स्किन के ऑयल को भी कंट्रोल करता है। गाइज, भले ये क्रीम में काफ़ी सारे हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज किया, लेकिन प्रिजर्वेटिव के लिए कुछ पैराबेन का भी यूज। ये सेफ क्रीम है, ऐसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी आप अगर इसे यूज करने की सोच रहे तो एक बार पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। गाइज, ये क्रीम को आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, रात में जरूर यूज करें। ये फेनेस क्रीम है, आप इसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट थोड़ा स्लो है, धीरे धीरे आपके स्किन के इम्प्रूव दिखेगा, धीरे धीरे दाग धब्बे मिटेंगे, कॉम्प्लेक्शन में भी इम्प्रूव दिखेगा। काफ़ी सस्ती क्रीम है, ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, सेफ क्रीम है। गाइज, फेयरनेस बोलने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन टोटली फेयर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी डार्क है, 1 से 2 शेड तक इम्प्रूव हो सकती है। अगर कुछ कारण से स्किन डार्क हो गई है, आप पहले फेयर थे, सन टैन हो गया, कुछ कारण से स्किन डार्क हो गई, तो वापस से पहले जैसे स्किन कलर लाने में जरूर हेल्प करती है। हाँ, आप नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह यूज़ करना चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।